तो इसको इस इसके लिए गुरु को क्या करना पड़ता है, वर्ष भर जो भी गलतियां आपने की है उस गलतियों को हटाने के लिए इस शिक्षा रूप से दीक्षा लेना होती है। क्या मैंने जो गलतियां की है वर्ष भर में जो पास किए हैं वो फिर उसको कंटिन्यू ना करें, इसलिए शिक्षा रूप से दीक्षा की जाती है। शिक्षा भी दीक्षा करने से आपको गत वर्ष में जो भी आपकी गलतियाँ की हैं उसको अभिषेक के माध्यम से आपको कोई भी किया जाता है और आने वाले वर्ष के लिए आपको श्रेष्ठ बना दिया जाता है, फिर आप पवित्र हो जाएंगे। वैसे तो हम देखते हैं कि गंगा स्नान करने से भी पवित्र हो जाता है आदमी, अभिषेक करने से भी पवित्र हो जाता है, लेकिन वर्ष के आखिरी दिन में वर्ष के आखिरी क्षणों में अगर गुरु अपने हाथों से अपने सम्मुख उठाकर शिष्य को अभिषेक दीक्षा देता है तो उसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अपने वर्ष भर में जो भी गलतियाँ की है, जो भी मालूम होकर नमालूम जान से किया उसको जो धो डालना चाहता है ताकि आना आने वाला वर्ष आपके लिए स्पष्ट हो, आने वाला वर्ष आपके जीवन में फल फूले, मनोज धन्य परिपूर्ण हो, इधर 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 या इधर गुरु शिक्षा दीक्षा प्रेरणा देता है, शिक्षा से दीक्षा करवाता है। क्योंकि मैं आगे पीछे रह गया, मैं सबको इसीलिए खाली करवाया। आपके पास साधना है ज्यादा हो जाएगा और मुझे रुद्राक्ष मुझे तो मेरे पास नहीं पड़ा रहेगा, अब क्या मैं रुद्राक्ष आपकी बात करने दो, और मैंने रुद्राक्ष मेरे पास रखा और हर वर्ष इस रुद्राक्ष को अभिषेक करते हुए आपको उस जल से अभिषेक करना चाहिए कि आप आने वाला वर्ष आपके लिए जाए और इस वर्ष में जो भी आपने गलतियाँ की है या जो भी पाप किया है उस पाप को धोना बनाना आने वाला वर्ष आपके शुभ समुद्ध में आए। इसके लिए इस रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक कर रहा जल आपको उससे अभिषेक करने पर आपकी श्रेष्ठता आपके पापों से मुक्ति आपकी गलतियों से मुक्ति देकर आप श्रेष्ठ हो रहे आने वाला कल आपके लिए सुख समृद्धि वाला हो, इसलिए अभिषेक दीक्षा आज के दिन की जाती है। और करने मैंने जैसा कहा कि गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को जब एक बार अपनी दीक्षा लेकर अपनाता है तो उसके वो गलतियों को गिनना लेने वाला गुरु गुरु नहीं कहलाता। जब तुमने अपनाया है जैसे पति पत्नी को अपनाने के बाद वो गलतियां करे भी तो उसको सुधार कर ले जाने वाला ही एक संस्कार या ग्रंथ कहलाया जाता है, ग्रंथ सुख कहलाया जाता है। पत्नियां गलती करे पति डूबी करे लेकिन पति को उसको संभाल लेकर गया तो वो सुख ठीक है और नहीं है तो फिर वो ग्रंथ में झगड़े या अनुभूति ले रहे हैं। उसी तरह शिष्य एक बार शिष्य को अपनाया गुरु ने तो उसको अपना सही चलना पड़ता है। शिष्य को अगर छोड़ भी गया शिष्य दूसरी तरफ भी गया तो नेता की योग्य भी हुआ पापी भी हुआ और वही गुरु कहलाता है जो शिष्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जो शिष्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं लेता वो गुरु कहलाने के लायक नहीं, चाहे उस दिन में अपने दिन में गुरु जो भी करता है उसके उस हद तक जब वो गुरु में ना हो जब तक गुरु में नहीं जाए जब तक गुरु में वो ही ना हो जाए तो कितने ही दिन में हो वो अपने को अपने शिष्य को ढूंढता ही ढूंढता है। शिष्य गलतियाँ करें शिष्य भाग जाए शिष्य कहे मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है मेरे बच्चों की शादियाँ हैं मेरा पोता है पोती है मेरा घर है धन है देने हैं ऐसा कहते हुए भागते रहता है हर जन्म में और उसको पकड़ के लाता है गुरु हर जन्म में और उसको कहता है कि तुम उनके लीन हो जाए गुरु परम गुरु परमेश्वर गुरु पराशर गुरु परापर गुरु जो गुरु परंपराएं हैं। गुरु चाहता है कि शिष्य मुझे लीन हो जाए और मैं जब जन्म लूँ तब शिष्य वैसा जन्म ले तो उसकी इच्छा होती है लेकिन शिष्य ऐसा नहीं करता। शिष्य हर जन्म में कोई कोई कारण बता देता है कि मुझे वो चाहिए मुझे घर चाहिए मुझे पैसा चाहिए बच्चे चाहिए मुझे पैसा नहीं
करनी चाहिए, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चों की शादियाँ हों, बच्चों की बच्चे हों, सारी उसकी समस्याएं सुनाता है और वो बोलता है कभी सुधरेगा नहीं, फिर उसको अगले दिन मैं फिर बुलाऊंगा, वो उधर से चला गया। ऐसी इसलिए मुझे कहा करते थे कि मैं 25 दिनों से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हर तरह में मेरा हाथ छोड़ कर चले जाते, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु में लीन होना एक मामूली बात नहीं है, गुरु में लीन होना एक श्रेष्ठ का क्रिया है, श्रेष्ठ का क्रिया है। और गुरु में लीन होने के लिए गुरु जैसा कहता है वैसा मान कर चले तो ही श्रेष्ठता कहलाई जाती है। आपको मैं गत वर्ष इसी दिन एक बात कही कि मैं पंचमी के दिन गुरु मंदिर की गुरु मंदिर आरम्भ करने जा रहा हूँ और एक बात कही थी उसके साथ साथ ये मैं मेरी इच्छा है कि किसी के पास से कोई भी पैसा ना लेते हुए गुरु मंदिर को पूर्ण करो, मंदिर आरम्भ कर दिया हूँ। लोग अपनी ओर से देने वाले अपनी इच्छा से अगर कुछ दे रहे हैं तो नहीं नहीं कहता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि अपने पास से कुछ लूँ और मैं भी मानूँ। मेरे को इस बारे में एक छोटी सी घटना की घटना बहुत ज़्यादा आती है ये कहते हुए कि मैं एक बार उस्मानाबाद में बैठा हुआ था, उस्मानाबाद में हमारे मास्टर के पास बीच बीच में कभी कभी जाते रहता हूँ और वो जब भी जाएँ मास्टर क्या करते हैं सब कम से कम सब शिष्यों को तो लेकर बैठ जाते हैं और उनके आश्रम को ले जाते हैं। मैं गया था तो सब लोग अच्छे बुरे बैठे थे, मास्टर भी बैठे थे, उनके सारे और भी उनके जाने बैठने और मेरे शिष्य को उनको लोग बैठे हुए थे तो सभी लोग बैठा बोलिए हम भी आश्रम के लिए कुछ देना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। मैं कुछ ने मौत कहा अगर देते हैं तो अच्छा है, मांगने का तो नहीं है, मांगूंगा तो नहीं। तो मैं देखते देखते क्या हुआ, एक औरत बहुत बुरी थी, वो एक बच्चे से उसके बेटे से कह रही थी कि मुझे गुरु जी के पास जाना है और मुझे गुरु जी के मंदिर के लिए देना है। तो वो मुझे मेरे कान पर पड़ा, वो कह रहा है, वो कह रही है कि गुरु जी के मंदिर के लिए पैसे देना है। और उसका बेटा कह रहा है बुकिंग चुप कर जा, तेरे 11 रुपये से मंदिर बनता है क्या, ऐसा उसको गले दे रहा है। मैं देख रहा हूँ लेकिन वो बुकिंग अपने जैसे खड़ी थी और बच्चे से वो बेटे से बोल रही तो मेरे 11 रुपये मुझे दे दी। मैं आते में और बेटा 11 रुपये आखिर में बेटा लेकर क्या बोला, अगर ये 11 रुपये ले लूँ दे लूँ तो मुझे गाँव को चलते जाना पड़ेगा। उसने कहा तू कुछ भी बोल मुझे 11 रुपये दे, मैं बातें देखती हूँ क्या करना है। तो 11 रुपये देने से रहा, उसके पास उसने समझ लो मैं 1 रुपया था या कुछ था 5 रुपये का सिक्का था, उसने ले कराया और मेरे चरणों में झुकी और नमस्कार किया और करते हुए कहा मुझे मैं मंदिर के लिए के पैसे दे रहे 5 रुपये। तो बेटा उसको क्यों रहा, मैं देखकर बोला कि क्या हूँ, तो बेटे से कुछ बात कर रही थी। तो बेटे को उसने एक हिंदी सुन कर दिया कि मैंने तो छोड़ दे, तू तेरे पैसे मत दे, मेरे पास जो पैसे हैं मैं दे रहा हूँ, मैं गाँव को चलते जाऊँगी लेकिन तेरे पैसे नहीं जाऊँगी। एक मिनट के लिए मेरी आंखों में आंसू आए, इसलिए उसकी भावना कितनी स्पष्ट है। वो उसके पास केवल 5 रुपये का सिक्का था, वो मुझे देकर कहते हैं कि महाराज यहाँ गाँव से चलते जाऊंगी तेरा पैसा नहीं होगी लेकिन गुरु को मुझे मान के मैं जरूर पैसे दूंगी। मैंने कहा तेरे 5 रुपये करेंगे 5,000-5 लाख के बराबर है, मैं कोई नहीं हूँ। इसे समर्पण कहा गया है, इसको अगर मैं ना कहूँ तो मेरा मंदिर नहीं बनेगा। जो भावना युक्त होकर अपने पास से उसने जो दिया, मेरे आज भी वो जो गोली औरत है मेरे आंखों के सामने एक रही है कि मैं अब मैं बाहर आकर भी देख रहा हूँ तो बेटे से झगड़ गई है कि तो तुम मेरे को पैसे मंदिर में चले ही जाऊँ। मैं गुरु जी को भी दिया है, उस गुरु जी के पैसे से मैं गुरु को दिया है, उसका मैं फल नहीं मिलेगा, मैं चलते जाऊँगी। और मैंने उसको बुला उस भगवान को मेरे माँ की बराबर की है, मैं तुझे चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए तो रुक जा। बोल क्या, तो ये क्या था, मैं तुझे 11 रुपये देता हूँ तो ले ले और मैं अगले साल तुझे वापस तो मुझे 16 रुपये दे देना। छोटे बच्ची गुरु जी मैं कमाती नहीं हूँ, बेटे को भी पूछना पड़ता है इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेती। मैं एक मिनट उसके अभिमान को उसके उस श्रेष्ठता को उसके समर्पण को देखकर 1 मिनट के लिए चौंक गया, बोला थोड़ी देर के लिए ये समझ तो मैं ही तेरा बेटा हूँ तो ले ले। और वो मेरे चरण में झुक कर नमस्कार करके कहने लगी कि गुरु जी इतना प्यार तुम जब देते हो तो मैं तुम्हारे पैसे लेती हूँ, लेकिन अगर जीवन मेरा रहा
हमने एक बात तो नेटवर्क से भी खोजी है, आपको पता है मौसम जब मैं नदी बनाने की बात कर रहा था और वो आज हमारे बीच नहीं है, जहाँ भी हमें सुन रहे होंगे या जहाँ भी हमें खुद जन्म लेंगे फिर इस आश्रम की सेवा में जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास। आज सबके मेरे साथ बैठे हैं, हम किसी की ये गारंटी नहीं तो नहीं देते कि हमें कुछ नहीं होगा या बड़े बड़े कृष्ण हो राम हो सभी चले गए, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर जाए तो वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि एक हमारी गुरु मंदिर हो ब्रह्मा की जगह, और बहुत इच्छा है कि जो कार्य गुरु जी अधूरा छोड़ते गए आरोग्य धाम का या आरोग्य यूनिवर्सिटी का वो पूर्ण हो। वैसे तो दिन मैं ये कहता हूँ बुढ़ा हूँ, दिन दिन जवान होते जा रहा हूँ और आगे मुझे गुरु का कार्य करना है, गुरु का कार्य करने के लिए गुरु जी इतना सक्षम बनाए और मैं जो गुरु जी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करूँ ये इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गुरु कार्य में आप सब लोग का प्रेम है तो मुझे बचाएगा जरूर गुरु, जो मंदिर मानूंगा और यूनिवर्सिटी भी करूँगा। मैं तुमसे आज भी वही बात कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी ना लेते हुए मंदिर मानूँ तो मैं अपने आप को सक्षम में सामर्थ्यवान समझूंगा और समझता हूँ। और आपने कभी मैंने मांगा भी है आपको तो सिर्फ इसलिए मांगा है कि आपके ऊपर कुछ कष्ट आने वाला है तो ही मैंने पैसा मांगा है, नहीं तो मैं आपको कोई पैसा नहीं मांगता, ये भी बात कहता हूँ। और इतनी पर भी मैं एक बात जरूर वास्तव से भी कहता हूँ, पावर वे से भी कहता हूँ, मैंने अपने मनीष से भी कहता हूँ और हम हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सब से कहता हूँ, मैंने तुमसे अगर पैसा लिया है तो मैं वो जरूर उसका 10 गुना में लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे दर्शन करने नहीं जाऊंगा, चाहे निवेश भी गुरु गुरु ने मैंने अपने आपको पैसा दिया है तो उसको 10 गुना में पैसा दूंगा तो मैं गुरु कहलाऊंगा नहीं गुरु नहीं कहलाऊंगा। गुरु जी आप पैसा लेने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं ये बात अलग है, मैं पैसा किसी के पास नहीं लूंगा, आपका पैसा आपको जरूर लूंगा। मैं प्रभु जी सदगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मंदिर जल्द से जल्द हो। और सच्ची बात यह है यहाँ के लोग मेरा पर्टिकुलरली विशेषता आजकल जब होने के बाद मेरा काम मेरा बेटा संभाल रहा है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत जानकारी मेरे साथ जो लोग हैं वो लोगों को भी पता है। जिस दिन मंदिर मैं मानने के लिए बोल रहा था आपको सच बताता हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 51 रुपये थे, मैं मंदिर खोलने की ही बात कर रहा था, 51 रुपये केवल 51 रुपये और मैं अपना मंदिर खोल रही जैसा होना आगे देखा जाए। मंदिर खोलना शुरू हो गया उसमें पत्थर डालते गए तो मैं बोला कितने में ये सब बुनियाद कितने में हो जाएगी, मुझे एक 10 लाख में हो जाएगी पत्थर वगैरह डालना है। बाद में देखा है तो मंदिर 51 लाख हुआ तो फिर बुनियाद दे रही है गुरु जी की बुनियाद में 51 लाख रुपये ले आए कहाँ से गए कहाँ से मिलता और ये बात होते जाना है जब मेरे पास। और आज भी कहता हूँ तुम्हारे पास मेरे पास एक भी पैसा नहीं, हमारे ओम भाई है गुजरात के उन्हें राजस्थान के उन्होंने ये मंदिर माना है, हर दफा देखते रहते हैं गुरु जी पैसे कब देंगे और मैं पैसे पैसे काम तो जा रहा है पैसे तो देना है और मैं इधर उधर देखता हूँ पैसे तो कहीं 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 एडजस्ट कर देता हूँ। अभी आगे का गुरु का कार्य है कि आगे पैसे हों फिर भी मैं कह रहा हूँ आप भावनायुक्त हो तो आपका पैसा मुझे पहुँचेगा, भावनायुक्त नहीं हो तो आपको पैसा मेरा नहीं मुझे नहीं चाहिए। आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी को आप सभी सामर्थ्यवान हो, आप सभी लक्ष्मी सम्पन्न हो, आप सभी आपके
आपके पापों को सभी को नाश करने के लिए आज यह शिक्षा विशेष दिशा जो आपकी बेटी कभी अपने गुरु को गाली नहीं होगी, कभी अपने गुरु को कोई एक निष्ठा के साथ बात करती करनी होगी, गुस्सा करता होगा, गुरु ने कभी मेरा काम नहीं किया। अब गुस्सा आता है जरूरी है, और आप गुरु को कभी पुकारना करते हैं, ये ऐसा नहीं कि आप नहीं किया। मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार आपको सुना है, मेरे जीवन में मैंने गुरु से 1982 में जो करी और गुरु जी ने मुझे 1990 साल की परीक्षा ऐसी परीक्षा जिस परीक्षा को करने के थे, एक भी काम नहीं होता था, एक भी काम को लोग चाहते नहीं थे, बहुत नुकसान होता था, फिर भी बच्चों को किसी भी तरह पढ़ाते हुए आगे हो जाया। और 1992 में लेकिन एक बार आखिर तक बोलता रहा, कभी गुरु को ये बात नहीं किया कि आपने मेरा काम नहीं किया, या कभी गुरु को ये नहीं कहा कि आपने आपके वजह से मुझे मैं कष्ट हो रहा। मैं कहा कि आप जो कर रहे हैं आप इच्छा से कर रहे हैं, इसमें मुझे मेरे बच्चे और मेरे पत्नी मेरे भाइयों का बहुत साथ था। मैं बहुत बार भी बताया हूँ, बात कभी कहा करते बाबा ऐसा तो लगता है तो हम सब लोग बनने के लिए आप कभी चिंता न करो, जो कि हमारे लिए जीना है। और उनका वो साथ आज भी मुझे साथ देता है। मैंने 11 साल किस तरह की जिंदगी गुजारी मुझे पता है, लेकिन जब गुरु जी ने मुझे निशा दिया था कि जो कोई इतनी दिन कठिन परीक्षा देने के बाद भी तो बस श्याम जीत गया, कभी भी नहीं बात मुझे नहीं थी। और आज भी मैं बताता हूँ, सच बात बताता हूँ, आज मेरा एक काम हो या ना हो तो ये नहीं कहता कि गुरु मेरा काम क्यों नहीं हुआ। मैं आपके जन्म के लिए या अपने जन्म के लिए आप ही मेरे गुरु हैं, और मैं आपका नाम लेके करूँगा। प्रश्न अगर मैं बहुत सम्मानदायक हुआ तो गुरु का नाम चलेगा, अगर मैं बुरा निकला तो गुरु का नाम ही बुरा होगा। लेकिन मैं गुरु का हूँ ये बात तो जरूर कहेंगे कि एक अनिल कुमार जोशी डॉक्टर नारायण सम्मान कर सकते हैं। और आप किसी विषय को लेकर बोलना चाहता हूँ कि वो कर्तव्य सर्जरी स्थानीय इंफेक्शन के डॉक्टर नारायण सम्मान शिष्य था, बड़ा हुआ सम्मानीय हुआ तो नाम सम्मान के साथ दिया जाएगा, और मैं गलत हुआ तो गलती के साथ नाम दिया जाएगा। इसमें सब भाग मेरे गुरु को छोड़ा है और गुरु को छोड़कर गाड़ी चल रहा हूँ, आगे चलूंगा भी। और मुझे यही इच्छा है कि मैं सम्मान से उसका जीता हूँ, समाज का जीवन और जीवन ऊपर छुपा करें। आज भी अपने सम्मान देता, कल भी अपने सम्मान देता, और उसी सम्मान के साथ ही बढ़ूंगा। मैंने गुरु जी को मैं कभी गुरु जी को एक बार कुछ पूछता हूँ तो मुझे मेरे को ये तकलीफ होती है, मैं गुरु जी को कष्ट पहुँचा रहा हूँ, गुरु जी को मैंने कष्ट दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि गुरु जी जब गुरु पूर्णिमा की आखिरी पत्रिका अगर आप 1996 में जब गुरु जी की मां थी और महाप्राण की नहीं थी, तो बच्चों का आखिरी एक पत्र था, उसमें गुरु जी ने उस पत्र में लिखा था कि अगर बाप बड़ा हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, तो बेटे का कर्तव्य बनता है जो उसका कार्य संभाले। मैं आज ये तुम्हारे को कार्य सौंप रहा हूँ, ये गुरु जी का लिखा हुआ पत्र है। आप अगर 1997 की पत्रिका निकाल कर देखते हैं, शायद मैं समझता हूँ वो मेरी या मित्री या मेरी की थी, और उसमें पत्रिका में गुरु जी का पत्र था कि अब आपको कार्य कार्य सौंप कर जा रहा। मैं आपको कहता हूँ, मैं गुरुकृपा से गुरु जी ने कुछ भी किया होगा आगे किया होगा, गुरु जी के पीछे ऋषि था, और गुरु जी बच्चों को क्या कहना चाहते थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि मैं गुरु जी आखिर क्षण तक बूढ़ा ना हूँ, जवान ही रहूँ, और आपका ये जोर कार्य करके ही मैं गुरु कार्य करते हुए गुरु कार्य करके ही मरूँ। मैं आज से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, इससे मेरे मेरे कष्टों को या मेरे पैसों को देने के बारे में सोचो, सिर्फ मेरे उस उद्देश्य को सोचो कि मैं गुरु मंदिर बनना चाहता हूँ, और गुरु मंदिर भव्य हो, आप सब लोग उसमें भागीदार हो, और आप सब लोग उस मंदिर को देखें, और आने वाला कल कहे कि ये साधना स्थल है। आज भी पूरे भारत में कोई कहा कोई कहते हैं तो अगर कोई डॉक्टर नारायण सिमानी या निखिल स्वामी जी का साधना स्थल है तो इटे जी का भी हैदराबाद है। मैं आप कहता हूँ कि आज कल के दिन मेरी यूनिवर्सिटी हो या अयोध्या यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या मैं आरोग्य धाम बंद हूँ, वो आने वाले कल के लिए होगा। और आने वाला कल गुरु जी को याद करें तो मुझे भी याद जरूर करें। और मैं उस सामर्थ्य में बताना चाहता हूँ असमर्थता से नहीं, मेरी एक इच्छा है, मेरे को कितने भी करता है प्रभु मैं आपकी शरण ना छोड़ू। और मैं कहता हूँ जिस दिन गुरु जी के बाद में कही कि मैं मारा जिंदा रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप ही मेरे गुरु है, तो गुरु जी मेरे साथ में छड़ा हो उंगली पकड़ कर कहते हैं कि तू मेरा है। और ये तू मेरा है कहने के लिए 11 साल लगे गुरु जी को ये कहने के लिए कि तू मेरा है। और आज जब उन्होंने कहा कि मैं चुनता हूँ तो आज मुझे पीछे बैठ के देखना नहीं पड़ा,
आज भी करके रोकता हूँ, आज भी है तकलीफ है, लेकिन कभी हारता नहीं हूँ, दौड़ता हूँ। जो कदम पीछे गया पीछे गया तो चार कदम आगे छलांग मारता हूँ, श्री गुरु कृपा ही हो सकती। मैं आपको चाहता हूँ पीछे सबके आपको रुकता हूँ, उससे समय बहुत हो गया। लेकिन लास्ट इसमें एक मैं समझता हूँ जनवरी 1996 या 1996 दिल्ली में यही कार्य हो रहा था। शिष्टा जी सामना जब से शिक्षा हो गई थी और गुरु जी प्रवचन देने बैठ गए सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे मैं आपको 4 बजाने नहीं देता क्योंकि अय्यर स्वामी है, पूरे सुबह उनको 4 बजे उठना होता है, इतना समय तो मैं नहीं देता। एक फिर भी कहता हूँ कि हम जब मिले हैं तो हम प्रेम के साथ मिले, प्रेम के साथ रहें और प्रेम के साथ सारी चीज़ें पूरी। पहले अभी आपको ये कहता हूँ कि एक शिष्य से दीक्षा कराऊंगा, पर कल सुबह फर्स्ट जरूरी है 9 बजे एक ऐसा हवन करवाऊंगा जो कि आप इस वर्ष भर में जितनी भी साधना किसी भी देवता की साधना की हो, कोई भी साधना की हो, उसको 9 बजे एक माला का हवन करवाऊंगा सभी लोगों के साथ। आपने जितने भी मंत्र चाहे गुरु मंत्र हो, तारा साधना हो, कोई कोई भी साधना की हो, उसका एक ही मंत्र के साथ तुम्हारे सारे मंत्रों का फल एक ही हवन में देता हूँ। आपने चाहे अपने कर्मचारी की स्वप्नवाराही की होगी, माता की तारा कुछ भी किया होगा मंत्र, उस मंत्र का एक मंत्र से ही हवन होगा और वह 9 बजे में आरम्भ करूंगा और 11 बजे। और 11 बजे आरम्भ करने के बाद मैं आपको एक कलश युक्त बंधन देता हूँ, आपके घर में एक कलश स्थापित करना है और उस कलश को मैं जो बंधन देता हूँ कंकड़ बांधना है और उसके ऊपर बिजली के रूप में एक तिलक देता हूँ रखना है, उसको 40 दिन मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो करेगा और अपने घर में रखेगा और उस कलश का पानी घर में छिड़क देगा और उस कंकड़ को और कलश को वैसा ही रखेगा। जब भी घर में संकट आए, इस वर्ष आपका भी बीमा पैसा चाहिए, आपको कोई भी चाहिए, उस तिलक को आपके गले में पहन लो और उस कंकड़ को कलश को बांध लो, कलश को पानी डाल दो और घर में पानी छिड़क दो, छिड़क दो और जो मैं मंत्र कर ले रहा हूँ सुबह दूंगा वो मंत्र जो आपकी ऊपर कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी शुद्ध समस्या हो, आरोग्य की समस्या हो और कोई भी समस्या हो, उस कलश में पानी भर दे जिस कलश को मैंने कंकड़ बांधा है और उस कलश का जल को घर में छिड़के या आप स्नान करें तो आपकी समस्याओं का समाधान मिले। चाहे कितनी भी वो समस्या शत्रु भी क्यों ना हो, कोई किसी प्रकार का रोग भी क्यों ना हो, आप उसके साथ बांध जाएंगे, आपको कोई कर्ज से छुटाना हो, कर्ज से छुटाना हो या कोई दुख से दुख लेना हो या कोई शत्रु सताना हो तो केवल उस पानी से आप स्नान कर लो, वो शत्रु आके आपके सामने बात नहीं कर सकेगा। ऐसा ही एक कंकन जो कलश को बांध कर आपके घर में रखना है और एक तिलक जो मैं उसके ऊपर दे रहा हूँ, उस तिलक को आप धारण करें तो आपके आपको अगला वर्ष पूरा भी इसी प्रकार की कोई समस्या का समस्या नहीं देगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भी साधना करने बैठे तभी उस तिलक को आप धारण करें और आप साधना संपन्न करें, आपको साधना का रिजल्ट मिल जाएगा, साधना की सफलता मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कल 9 बजे के बाद उसको प्रदान करूंगा। जो कंकड़ है आपके घर में एक कलश स्थापित करना है, उस कलश को कुंकण को बांध देना है, कलश में जल डालना है और वो जो तिलक है नारे रखिए, उस नारे के ऊपर उस तिलक को गंदगी तक लगा देना है और जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसको 5 मारा करनी है और उस कलश में जल को उसके बाद दूसरे दिन या उसी दिन रात में घर में छिड़क देना है और आप उस कलश के जल से स्नान करो। आपके घर में कितने भी लोग हो सब लोग उस जल का उपयोग कर सकते हैं और उस कलश को कंकण को बांध के रखो अगले वर्ष तक और वो जो तिलक है आपको जो भी कष्ट होगा उस तिलक को धारण कर लेके जाओ, आप सारे कष्टों का समाधान, कितना भी तीव्र बीमारी आपके घर में क्यों हो उस तिलक को धारण करो, वो तीव्र बीमारी हट जाएगी। वो ऐसा ही कंकन करें और ऐसा ही एक कंकन और एक तिलक मैंने क्या किया है जो हवन के बाद दूंगा। हवन 9 बजे आरम्भ हुआ और 11 बजे समाप्त हो जाए, जिससे भी जो कोई आपने कोई भी मंत्र एक वर्ष में किया हो, मैं जो मंत्र बोलूंगा उस मंत्रों का सार है वो सारे देवताओं का मंत्र एक ही मंत्र में है और उसके साथ अहुल होगी चावल तेल शक्कर धूम गेहूँ और घी से आहुति होगी, तीनों ब्राह्मण हैं आपको आहुति करवाएंगे 9 बजे के बाद, आपको आहुति करें और उसके बाद मेरे पास आए, मैं आपको उस तिलक का और उस मंत्र का उदाहरण उस मंत्र को कल सुबह 9 बजे के बाद यहीं आ जाइए, मैं आप सभी को मंत्र प्रदान करता हूँ और संकल्प देता हूँ और वो संकल्प लेकर 9 बजे के बाद यहाँ आ सकते हैं। अभी समय हो रहा है, नए वर्ष का आगमन हो रहा है, हम आगमन से पहले ब्राह्मणों से कहता हूँ कि इस कलश के जल को शरीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, आप इस कलश के जल को आपके साथ भी ले जा सकते हैं और उसके बाद जहाँ आगे पसंद की पड़ी हो जाए तो पड़ी तो होगी, उसके बाद आरती होगी, आपको प्रसाद काटा जाएगा और 9 वर्ष का आगमन होगा, 9 वर्ष के आगमन में
पल्लवी है और सब लोग हैं यहाँ, आप एक भजन गाएंगे, भजन गाने के बाद हम समापन कार्यक्रम, पहले कलश के जल को आपके उच्चारण किया जाएगा, उस कलश के जल को आपके उच्चारण के समय आपको वो गुरु है कि देवता है जो मेरे सामने बैठे हुए, तो इस चर्चा के संस्करण इसके बताओ कि आप सभी की मनोभावनाएं पूर्ण हो या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उस गलती का प्रायश्चित हो, और माँ भगवती की वाली प्रश्न की धारा जिसके ब्रह्मांड इस संसार में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उस संस्करण का ये पाठ और हवन मैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख कर रहा हूँ, 5 से 9 तारीख तक पाठ होगा, 1000 पाठ ब्राह्मणों से 1000 पाठ किए जाएंगे यहीं आश्रम में और 10 तारीख को उसका हवन किया जाएगा। मैं सभी आमंत्रित करता हूँ कि उस हवन करना, पहले तो लोग मंत्र के हवन के लिए ही करते थे, बाद में शैत्य के हवन करना और भी बड़ी बात है, लेकिन अष्टाचरण देखना उससे जब माता ने या प्रभु मिश्र गुरुदेव जी ने ये हमें सब आश्रम दिया है और आप सब हजारों की संख्या में आए मेरे पास, ये जमाने में था पहले तेलंगाना हैदराबाद के लोग यहाँ मेरे पास के लोग मेरे पास करके, बाद में कर्नाटक हुआ, बाद में तमिलनाडु हुआ, बाद में छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, आज यूपी मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश शिष्य यहाँ आते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु जी अपनी तरफ से जितना भी अपना कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य करते ही चले जा रहे हैं और वो उस शरीर की मनोकामना करने के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं हर साल यह कार्य इस राजनीति में साधनाएं करना और इस राजनीति में जो भी शोध कर महाराष्ट्र महासचिव महाकाली तिरंग भी पूजा करता हूँ, इसलिए कि आप सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आज मेरा शक्ति मानधार भी हो, आप सभी को शक्ति प्रदान करें और यह भी शक्ति प्रदान करें कि आपकी सारी समस्याओं को समाधान दे सकूँ। वह कार्य 10 तारीख को होने वाला है। वैसे सदगुरुदेव की कृपा से आप मुझे आप गुरु भाई के हो, गुरु बहन को हो, गुरु शिष्य को हो, गुरु प्रेमी को हो या और कुछ को, तो इन्हें मुझे इतनी संपन्नता प्रदान की है कि मैं हर एक का नाम लेते लेते नहीं सकता, आज आश्रमवासी भी हो या और भी बाहर के जितने भी शिष्य समुदाय हो, मेरे को कहना ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो लोग आगे बढ़कर आते हैं कि गुरु जी हमारा क्या हमारी क्या सेवा और आखिर अपनी सेवा के माध्यम से मेरी सेवा करते हैं, तो मैं अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझूंगा जो लोग अपने तरफ से आकर स्वीकार करते हैं। जितना भी नाम हो सभी का नाम आश्रमवासी आज मैं कहता हूँ मेरा एक काम मतलब बोल करके काम करना है तो मैं कहता हूँ दो दिन हो गया तो पहले एक ही दिन में करोड़ लोग काम करते हैं और उन लोगों के बारे में किसी के बारे में मैं कहूँ तो सभी लोग मेरे को बोले जाए ऐसे शिष्य ऐसे गुरु भाई ऐसे प्रेम दे दिए हैं कि जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा सारा कार्य ऑटोमेटिक होने लगता है और ये गुरु कृपा ही निर्भर है। मैं प्रतिश यही कह रहा था कि अगर हम गुरु से ना जुड़ते और अपने घर में होते तो बुलाए तो भी कोई आता नहीं था अपनी बुलाए बुलाकर नाश्ता करना तो दूर की बात है जो गलियाँ देखे जाते हैं अगर शरीर संबंधी हो तो, लेकिन आप कितने सौभाग्यवान हैं लोग नमस्कार करके अपने को सब चीज की चीज़ें देखे जाते हैं तो इसका मतलब है गुरु कृपा ही कुछ देखता है और इसके लिए कितना झूझना पड़ा मुझे मुझे पता है। एक बात मैं कहता हूँ एक बार को समर्पण करके तो देखो अपने आप को गुरु को और गुरु कहेंगे गया है तो मुझे तुम्हें विषय करके लिखना नहीं होगा, लेकिन उस कष्टों को सहने के उस समस्या को सहने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है। मैंने बहुत बार आपको उदाहरण दिया था श्री कृष्ण के दोस्त जो मित्र थे सुदामा अपने घर में कृष्ण से युद्ध किया कभी भी कृष्ण कृष्ण नहीं कहा करते थे, पत्नी थी उनको 12 बच्चे हुए गरीबी में जीवन काटता था, फटी हुई धोती जो भी मिलता था उससे ही घर चलाते थे और पत्नी रोज गालियां देती थी ये क्या कृष्ण कृष्ण कहते हो घर चलना ये बच्चों को इतने बजा के उसको कैसा पालोगे तुम कुछ ये नहीं ले गया और सभी की बातें पत्नी की बातें सुनते थे नौ करोड़ की बातें सुनते थे। आखिर ये बात भी पता चले कि पौत्र कृष्ण नाम का पौत्र कृष्ण नाम का वहाँ पर राजा था, उसने कहा कि हे सुदामा तू जिस कृष्ण की बात करता है उसको छोड़ दे तू मेरा नाम ले मेरे करोड़ की बनाओ धनवाद बना दूंगा। सुदामा कहता है एक बार समर्पित किया मैंने कृष्ण को नहीं कहता और उसने सुदामा को बहुत कष्ट पहुंचे
अपने लोग अपने लोग अपने अपने को कंट्रोल करेंगे, तो ये समझना चाहिए हमारे गुरु का ज्ञान है। कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अगर मुझे कष्ट आ गए हैं गुरु मंत्र जब करते समय और गुरु मंत्र को गुरु को मांग लेते हैं उस समय हम बैठे तो पहले पहले गुरु कष्ट तो यहाँ से आरम्भ होते हैं। पहले पत्नी गाली आएगी, क्या साधना करके बैठे हो, तुम्हारे को क्या घर खराब नहीं है, क्या बच्चे नहीं है, क्या बच्चा है, फिर माता पिता, फिर घर के लोग, फिर बाहर के लोग, सब लोग ने गाली देना शुरू करें। समझ लेना चाहिए कि गुरु परीक्षा आरम्भ होगी। और जब उस संस्थिति में भी एक कहें कि मैं एक गुरु साधना है गुरु को नहीं छोड़ूंगा और आगे बढ़ते रहूँ गुरु और भी कष्ट पहुँचाए, लेकिन उस कष्ट में अगर आप एक और एक कहते हुए गुरु को पता चल जाए कि तू मेरा है तो आपको कुछ नहीं बढ़ना, यही काम सुधाम से जाओ सुधाम हो। आखिर में पति ने तब कहा रखा कि कृष्ण कृष्ण क्या कर कहते हो तुम्हारा कृष्ण तो वो वहाँ जो वो भोग रहा है वहाँ एक बार कृष्ण बोला तो पूछते क्यों नहीं। सुना है जीवन भर में कृष्ण को पूछना नहीं, यही बात यही इच्छा किसकी तुम्हारे पूछता है। आगे पत्नी के कहने पर वो गया, गया तो पति को कहा मैं मेरे दूसरे के पास जाऊँ उसके लिए क्या लेना, मैंने तुझे रखा गया घर के ले जाएंगे। आगे थोड़ी सी जो चावल थी जो कुमार था उसको अपने गठे से बात करेगा, जैसे जैसे मैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि वो पाँच रुपये लेके वो गोरे मंदिर में से जा रही थी और मेरे आंखों में आंसू थे, वही तीन सुलावा नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था, केवल कृष्ण का नाम था और वो वहाँ अपनी गठे में बात करेगा, कभी किसी को कुछ नहीं मांगा। यही रहा तो वो भी इसमें कहता था कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ उससे क्या मांगा, वो जो गया उसमें कुछ है, वो जो गया वो जो कट ले जाएगा उसमें कुछ है। और ये कहते हुए वो गया कृष्ण, जब कृष्ण के पास जब गया तो कृष्ण ने लिखे तो कैसी परीक्षा देगी, कृष्ण ने जब सुदामा को मिले सुदामा को लेकर आए तो कृष्ण ने पूर्ण पूजा होने के बाद सुदामा से कृष्ण मेरे लिए क्या आए, सुदामा के अर्थ में ऐसे थे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तू बाहर आया मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। और वो इसकी उसको इसकी शर्त आई थी कि ये महाराज जी के बड़े महल में अगर मैं कहूँ कि मैं ये बाद में छोटा सा बोहर आया हूँ तो मेरे सब लोग हंसेंगे उसमें बत्तीस की बत्तियाँ भी हंसेंगी और वो बाहर आए, लेकिन कृष्ण तो थे बहुत सिंचर थे, मैंने उसका वहाँ खींचा और कहा ये तो ये कह रही है मेरे दो में ये दो में क्या उधर सुनाम की आंखों में आंसू थे कि मैं मेरे कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे क्या चाहिए तू मैंने पूछा, कृष्ण कहते हैं ये सुनामा तू मेरी परीक्षा लिखा उतर रहा मेरा सारा सामान मुझे दे, जब तक तू गुरु को पूछ ले कि मैं मेरा उधर छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं भी नहीं क्योंकि जब गुरु ने मुझे कहा था कि जो भी परीक्षा लिख दिया और मैं आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम कभी ये आश्रम के बारे में झगड़े लगे आश्रम के बारे में बहुत लोग आते हैं बहुत गलत हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यानी कि आश्रम में मेरे स्वार्थ के लिए बड़े होना गुरु के लिए बड़ा फिर मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है और मैं एक दिन बैठे ऐसे विचार कर रहा हूँ। तो उसने मैं हमारे पिता ने मेरे को फोन करके कहा अरे अपने वो देखा तो उसके कारण पूजा कर रहा है तेरे दूसरे को इतना मार नहीं तो आते हो, मैं भागते हुए गया और पूजा भाई को जैसे एक दूसरे एक दूसरे को मान कुछ कर निकाला, तब मुझे लगा कि मेरे पीछे ये मैं भागी दे रहा है तो क्या ये आश्रम मेरा नहीं है, मैं रिलीज को दे रहा हूँ कि हमारे आश्रम की रिलीज कर देना पड़ता। मैंने तब से कहा कि प्रभु जी को कुछ नहीं है वहाँ से मांगूंगा और मैं एक शहर ले ली एक वर्ष तो कुछ नहीं मांगूंगा और जो होना है वो होगा देखता हूँ वो व्यक्ति ने दिया इतना सामान होता बहुत तक उस प्रश्न से यहाँ पर विनाय देता हूँ। आज मैं गुरु जी का जवाब करोड़ जी का मालिक हूँ और उस दिन मैंने जो सहारा था आज आपके सामने बार बार देखा
गुरु के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाए, कम से कम गुरु को लेके जाए उनके चरणों में बनाने के लिए, आपको कभी कुछ इतना कम नहीं पड़ेगा। कभी गुरु की इतना ना करो, गुरु की इतना करना या गुरु का कोई खाना या गुरु का इतना करना, सात जन्मों का भी हृदय का प्रणाम करता। चाहे कुछ भी आपको एक बार बताए, भगवान नारद जी एक बार कृष्ण के सामने देखते हैं, कृष्ण को नारद जी हे कृष्ण तू इतना ये 16,000 स्त्रियाँ 8 वो 100 पत्नियाँ तुम्हें कैसा लज्जा शर्म नहीं है कि इतने लोगों को लेकर चलते हो, तुम सोचता तुम्हारे तरफ से इतना शुक्र है, देखो ब्रह्मचारी जैसे निजी वो करते हैं जो कुछ आता नहीं होता था। वो कृष्ण का सबसे गर्व चढ़ गया, इसको तो बहुत गर्व देखना है। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता है कि ब्रह्मचारी से रेगुलर डे से भी ज़्यादा गृहस्थ में कितना ग्रह होना होता है, क्या होना होता है, कोई ग्रह होना नहीं पड़ता। उसने कहा तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी एक बिना पता चले नारद को भगवान कृष्ण वहां जाने के लिए कह दिया, और नारद जैसा एक ट्रैप लगे उस तालाब पर डूब गए, स्त्री हो गए। और स्त्री होते साथ ही वहां से एक महाराज एक अच्छे महाराजा जा रहे थे, राजा होने के कारण शादी कर ली और तब से 100 बच्चे पैदा हो। देखा
तो शिष्य का एक गलती भी गुरु को भूलना पड़ता है। इस गुरु को भूलने के लिए भूलना पड़ता है, उसके प्रायश्चित के लिए उसे अपने को स्वयं को साधना करना पड़ता है, स्वयं को भूल जाना पड़ता है। शिष्य की जो भी प्रश्न है, जो भी गलतियां हैं, इसलिए इस अच्छे की इस तरीके की गलता चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे आपको ऐसा कहा कि आपने सहन शक्ति हो तो उस सुधार को एक तीन ब्रश लेकर उसको भगवान बना दे, सिर्फ तो उसको ये परीक्षा नहीं जाना चाहिए। ये कहते हैं तुम जो भी कुछ हराने के लिए भेजा हो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, ये जो सेवा तुम्हारी होगी तुम इस संसार तुम इस पूरा संसार पीएगा ये मेरा अनुभव है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ और मैंने पूरी कार्यों में भी मैंने देखा है कि जब तक आप समर्पित ना हो अपनी गुरु को तब तक गुरु क्या कहना चाहिए मुझे। अरे तो मांस व्यक्त शरीर वाला शरीर का तो चला जाएगा, यदि किसी से चला जाएगा किसी से चला जाएगा पुलिस से चला जाएगा जो रोचक का कोई व्यक्ति को देखेगा चला जाएगा। तो क्योंकि तुम अपने गुरु समर्पित हो देता हूँ तो तुम्हारे गुरु की स्मृति को और तुम्हारा छोटा के बारे में
ऐसा किसी मौत में जरा कर सकते परंपरा के अनुसार थोड़ा सा मिठाई कैप्टर के आपको सभी को नए साल के इस वर्ष में आपको मिठाई खिलाई जाएगी और नौ वर्ष को नौ वर्ष के आगमन का समाज सुनाएगी।